después en la tsunami, ¿qué van a decir tú, Tile? ते मादर चोद नेपाली महेश्वरों को जिस देश में तू रह रहा है उसके टुकड़ों में पड़ रहा है बहन के लोड़े हमारे टुकड़ों पड़ रहा है हमारे इस्लाम में गलती कर रहा मादर चोद तेरी चोदले मैया को बहन के लोड़े बड़ा यार ये दूधीले अब ये दूधीले इसके भाषा में समझान पड़ सा है मिले है ना अबे सुन बे लौंडे भोसड़ी वाले अबे भेड़ के लौड़े माँ द्रचुत होगा था तू माँ द्रचुत होगा ना तुझे तुझे ना तुझे तेरी माँ को चुतने का इतना शौक है ना जा चोत हम कुछ नहीं बोलने वाले तू अपनी माँ को चुत ले बहन को चुत ले हमें फर्क नहीं पड़ता उसमें समझा क्या भोसड़ी वाला हमें गाली देता है भोसड़ी वाला क्या बोला था क्या बोला था तूने बहन का लो रोग अभी अबे भोसड़ी के किसके टुकड़े पल किसके टुकड़े में पल रहे हैं हम भोसड़ी वाले बहन के लौड़े बोल चुदिया वही फटे हुए जले हुए टायर जैसा मुंह वाला किसके टुकड़े में पल रहे हैं हम बता भोसड़ी वाला हम मेहनत का खाते भोसड़ी वाले समझा क्या तेरे बाप ने दिया क्या फ्री में बता तेरे बाप के जायदाद दिया तूने दिया तेरी माँ ने दिया तेरे बहन ने दिया बता तेरे देश ने दिया भोसड़ी वाला कुत्ता कमी ने भोसड़ी वाला गालियाँ देता है भेड़ के लोड़े हम ना लप करते सबसे मालूम सबसे हम लप करते हम अच्छे हैं अच्छे थे अच्छे हैं अच्छे रहेंगे और हम लोग को एक गलत सब बोलने में ना तुम जैसे भोसड़ी वाले जब तुम्हारी मिर्च लगती ना गांड में भोसड़ी वालों की तो हमें बोलने के लिए मजबूर करते हुए ऐसे शब्द हम ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहते बात करने नहीं चाहते हम लोगों से लप करते लप का मालूम है भोसड़ी वाला फटे हुए टायर जैसा माँ बहन की गालियाँ दे रहा है भोसड़ी वाला तेरे भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे तुझे सही शब्द से प्रयोग करो तो तू समझेगा नहीं है ना इसलिए तेरे भाषा में यूज करता हूँ तेरे भाषा में समझाता हूँ तुझे भैंड के लौड़े तेरी गाँड में इतनी मिर्च लगी है ना गाँड में मिर्च लगे तो बता दे नेपाल से पूरे डैम पानी का डैम खोलेंगे ना तेरी गाँड में मिर्च पूरी साफ हो जाएगी समझा क्या भैंड के लौड़े ज़्यादा बोलते रहता है तुझे समझा क्या गोरखाली को मालूम है गोरखा कौन है अबे भोसड़ी वाले भैंड के लौड़े तू ना भोसड़ी वाले तुम लोग आज़ाद हुए 70 साल हुए भैंड के लौड़े ये बात को समझा कर 70 साल हुए हमारी हिस्ट्री हमारी जो कहानियाँ हिस्ट्री पढ़ ले 100-200 साल पहले की है तब मालूम पड़ेगा गोरखा कौन है नेपाली कौन है समझा क्या अरे सालो तुम लोग को ना अंग्रेज तो पुरानी हिस्ट्री पढ़ ले तुम लोग को तो काला धब्बा ऐसे बोल के अंग्रेज बात करते थे मालूम है भोसड़ी वाला फटे हुआ टायर जैसा मुँह वाला चुत्या के ढक्कन ज़्यादा बोलते रहता है भैंड का लौड़ा अबे भैंड के लौड़े दोबारा ऐसे बोलेगा ना तेरी ऐसी गाड़ में लगाऊंगा ना बम्बू जानता है ना बम्बू क्या होता है गाड़ में ऐसे लगाऊंगा ना बम्बू भोसड़ी वाले तब मालूम पड़ेगा तुझे बम्बू क्या होता है सारा मुँह भी निकालूंगा पिछोड़े से घुसड़ के समझा क्या भैंड के लौड़ा चुतिया का ढक्कन फटे हुए मुँह चाला जले हुए टायर जैसा फेस भैंड के लौड़े गालियाँ देते हम लोग को तूने क्या समझा तू गालियाँ देगा हम सहन कर लेंगे तेरी माँ चुत दूंगा इतने चुतने का मन है ना भोसड़ी वाला है हमें बोल हम भोसड़ी वाला सबको इज्जत करते प्यार करते लव करते तुम जैसे चुतिया वाले ढक्कन फटे मुख जैसे को क्या मालूम कि लव क्या होता है भैंड के लवड़ो जो भी कुछ बोलते रहते भैंड चुत हमने कुछ बोला है क्या भैंड के लोड़े मेरे भी इंडिया में बहुत सारे फैन है सब लोग है सिस्टर है ब्रदर है सो एवरीथिंग सब पीपल है इंडिया में हम उनसे लव करते हैं काफ़ी मेरे भाई है वहाँ ऐसे तो मैंने किसी को नहीं देखा तेरा जैसा फटावा मुँह वाला और फिर मेरे दोस्त क्या बोलेंगे मेरे फ्रेंड लोग मालूम कि रोहित को आज क्या हो गया रोहित ने क्या बोल दिया कि हमने क्या किया और तुम लोग जैसे चुतिया के ढक्कन के लिए ना ऐसे सब लोग को गालियाँ पड़ दिया समझा क्या और बाकी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं इंडिया में मैं सबको बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आप लोग से हम लव करते प्यार करते आप लोग ही हमसे लव करते प्यार करते हम जानते हम नेपाल और इंडिया एक ही बनियान जो बोलते हैं ना तुम्हारा वहाँ ऐसे ही है कि अरे रोटी बेटी का रिश्ता है तो हम ही मानते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी बोले हम कुछ भी करें हम साइन कर ले ऐसे नहीं है भाई समझोगे आप लोग हाँ ये मालूम है कि हम देश छोटा है लोग कम है तो आप लोग बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हमारी धरती माँ पे छाती पे पैर रख दो और हम कुछ नहीं करेंगे पैर काट के रख देंगे समझा क्या पैर काट लेंगे छोड़ेंगे नहीं
अरे और क्या बोला था एक एक डिबेट में, आपके पत्रकार डिबेट में एक औरत थी, गोरखा के बारे में कुछ बोल रही थी, उसका नाम क्या दास था, मैं वो नाम भूल गया। उसके लिए फिर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, फिर इसमें भी बोलने चाह रहा हूँ। इसीलिए उसने क्या बोला, गोरखों को इंडिया से भगाओ, और गोरखा भी घुसपैठिया है, आतंकवादी है। अबे सुन लो, वो मोहतरमा ढंग से कान खोल के सुन ले, घर में जाके सोच ले, गोरखा की हिस्ट्री पढ़ ले। गोरखा चारों तरफ सीमा में डटे रहते, मरते रहते अपने, तुम जो जब उन लोग सीमा में डटे रहते हैं ना, जब तुम आराम की नींद सो सकते हो, मालूम है, घर पे। और डिबेट में आ गई, टीवी के सामने कुछ भी बोल दिया, हो गया, तेरे में इतने गांड में दम है ना, निकाल के क्या गोरखा हो, तब देखते हैं हम भी। और तूने क्या बोला था, घुसपैठिया है और आतंकवादी है। अबे सुन ले लौंडी, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, अभी तक तो हमने भाई भाई बोला है। अगर तूने घुसपैठिया बोला ना, फिर दोबारा बोला, अगर घुसपैठिया करने पड़ेंगे ना, हमारी जमीन छीन लोगी, हमारी जायदाद छीन लोगी, हमारे सब कुछ तुम लोग छीन लोगे, चोरी करोगी दूसरे की जमीन में, तो हम चुपचाप रह जाएंगे। अगर दोबारा ऐसी बात की ना तूने, अगर हमारा जमीन वापिस नहीं आया, तो एक बात ढंग से सुन लेना, तूने आतंकवादी बोला ना, अभी तक थे नहीं, अब हो जाए, अब हो जाएंगे। गोरखा ऐसा इंसान है, आओ मैं खुद भी मरूंगा, और 100 200 लोग को मार के भी मरूंगा मैं, समझा गया? हम मौत को भी मार देते, मौत को कौन मारता है मालूम है, सिर्फ गोरखा, गोरखा मारता है मौत को, और तुम्हारे जैसे लंजू पंजू वाले नहीं मारते उसको, और मार भी नहीं सकोगे, तुम्हारे गांड में इतनी दम भी नहीं कि उसको मार सकोगे, समझे? विश्व विश्व ऑल कंट्री जानता है गोरखा कौन है, और गोरखा की हिस्ट्री क्या है, गोरखा क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया है। तुम्हारे गांड में इतनी दम नहीं है सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, बस टीवी के सामने आ गए, कुछ भी बोल दिया, हो गया। अगर दोबारा आतंकवादी घुसपैठिया बोला ना, अगर हम घुसपैठिया करने लगेंगे ना, गांड में इतनी बम्बू बम फड़ेंगे ना, तब मालूम पड़ेगा आतंकवादी, तब बनेंगे हम, अब बनने के लिए तैयार है। और एक एक फुट अगर इसके लिए, हमारे नेपाल माँ के लिए, नेपाल नेपाल के जमीन के लिए, एक एक 47 हाथ में लेने पड़ेंगे ना, वो भी स्वीकार है, वो भी स्वीकार है, कसम पशुपतिनाथ की, कसम हम नेपाल आमा की, एक एक 47 भी हाथ में लेने पड़ेंगे ना, वो भी लेंगे, और गांड में इतनी बम फोड़ने पड़ेंगे, वो भी फोड़ेंगे, खुद भी मरेंगे और मारेंगे भी जरूर, समझा गया? समझ गया आप लोग? वो नहीं तो ये राजनीति वाला मामला है, आपकी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, वो अपने आप सॉल्व करेंगी। और हमें गलत बोलने में और गलत रास्ते पे जाने के लिए मजबूर मत करना, समझी? ऐसे बात करना नहीं है, हमने कभी बोला तुम लोग को कुछ कुछ किया हमने, चलो तुम्हारे देश में आए, हम पर मेहनत किए, मेहनत के अपना जो मेहनत का होता है ना, वही खाया, किसके बाप ने फिर भी नहीं दिए। हमारे हमारे से ज़्यादा तुम्हारे भिखारी ज़्यादा है, उनको दो ना, वो चिड़िया कुछ भी टेलीविजन में टीवी के सामने आए, कुछ ही बोल दिया, कोई वीडियो में लाइव बना रहा है, नेपाल ये नेपाली वो, ऐसे गांड में बम्बू मारेंगे ना तुम्हें, तब मालूम पड़ेगा, समझे? और एक एक लड़की बोल रही है, कभी हिंदी में कभी नेपाली में, उसके लिए तो मैं कल या परसों बनाऊंगा 1 2 दिन में वीडियो, इस वीडियो में नहीं बोलूंगा, उसके लिए अलग से बनाऊंगा। आज अलग से ना ये भोसड़ी वाले के लिए बनाना चाहता था मैं, पर क्या करूँ, हमारे जो जमीन में तुमने चोरी किया ना, जो कब्जा किया, उसके लिए बोलना पड़ा था, थोड़ा बहुत बोलना पड़ा। अब देखो ये गांड, फिर देख लो, ढंग से सुन लो, इसका फेस देख लो, मैं गलती कर रहा, मादर जोत ने भैया को बहन के लौड़े। क्या बोल रहा है भोसड़ी वाला, ये फटा हुआ जला हुआ टायर जैसा भोसड़ी वाला बहन के लौड़े, क्या बोल रहा है? जिस देश पे पल, जिसके टुकड़ी पे पल रहे हो, अरे भेड़ के लौड़े, तेरे बाप की टुकड़ी पे पल रहे क्या, तेरे बाप की जायदाद है क्या, तेरे बाप की जायदाद तूने दी क्या है, तेरी माँ की जायदाद दी क्या, तेरी बहन की जायदाद दी क्या, तेरी दी क्या, तेरी बीबी की दी क्या, बोल रहे दूसरे के टुकड़े भी पल रहे, भेड़ के लौड़े हमने मेहनत की खाते, किसी के भाव की फिर में एक सिक्का भी नहीं लेते, समझा क्या? गोरखा है भोसड़ी वाले, मेहनत करते, मेहनत की लेते, तेरे जैसे फ्री में बम्बू नहीं लेते तेरे जैसे, समझा? तेरे जैसे फ्री में बम्बू पिछड़े पे, जानते हैं बम्बू क्या होता है? भेड़ के लौड़े ज़्यादा बोलेगा ना, तेरी गांड में इतनी बम मारूंगा ना, भेड़ के लौड़े भोसड़ी वाले, इतना तेरी चुदाने का दिल है ना, भेड़ के लौड़े मेरे पास आ जा, इतना लंबा चोदूंगा ना भेड़ के लौड़े, तब मालूम पड़ेगा भोसड़ी वाले। काफ़ी वीडियो भी लंबा हो गया, तो जितने मेरे फैन हैं
वो आप सब लोग के लिए नहीं बोला, जो ये भैंड की लड़ाई इसके लिए बोल रहा हूँ। जितने नेपाली फ्रेंड है सब इंडियन फ्रेंड तो शेयर तो करेंगे नहीं, मुझे मालूम है मिर्च लग जाएगी उनकी। और मेरे जति पनि नेपाली फ्रेन्डहरू हुनुहुन्छ सबैले सेयर गर्नु होला यो भिडियो, त्यो धोतीसम्म पुऱ्याइदिनु होला। अर्को राउन्डमा केही बनिहालेर फेरि यत्रो मिर्च लगाएर बम्बु हालेर पेलाउला नि त्यसलाई। अनि त्यति भन्दै अहिले धेरै नै भिडियो लामो भइसक्यो। सबैलाई नमस्ते, जय नेपाल, जय गोर्खा।